नमस्कार दोस्तों, एमजी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस समय हम लोग अपने प्रयागराज में ही है और आप सभी को एक ऐसी जगह लेके आए हैं जहाँ पे बौद्ध जी की यहाँ पे प्रतिमाएं पाई गई हैं, खुदाई में मतलब यहाँ से संग्रहालय चले गए हैं, जो कि इस समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग देख रेख कर रहा है। और यहाँ पे अभी भी काफ़ी मूर्तियाँ यहाँ पे दबी हुई हैं, देख सकते हैं काफ़ी ऊंचाई में है, यहाँ पे बना हुआ है जो कि भीटा गांव ये लगा रहा है। देखिए बोर्ड लगा हुआ है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग देख रेख कर रहा है। और इधर ये डिपार्टमेंट के एम्प्लॉई हैं, चाचा जी हैं। आइए यहाँ के बारे में कुछ हम लोग जानने का इनसे प्रयास करते हैं। क्या नाम है चाचा जी आपका? देवी प्रसाद मिश्र। तो चाचा जी, यहाँ पे आप कब से रह रहे हैं? हमें करीब 18 साल हो गए। तो यहीं पे ड्यूटी कर रहे हैं। तो यहाँ के बारे में बताइए कुछ, जो कि आपका डिपार्टमेंट देख रेख कर रहा है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग देख रेख कर रहा है, क्या मान्यता है यहाँ का कि किस वजह से ये विभाग इस पर कब्जा किया है, कुछ ऐसा है? इसका सौंदर्यीकरण होना है ने? अच्छा, सौंदर्यीकरण होना है। हाँ, ये लगभग 3,500 वर्ष पूर्व ये खुदाई में ये अवशेष मिले। अच्छा, अवशेष मिले, इस वजह से विभाग देख रेख कर रहा है। अच्छा, ये बहुत प्राचीन धरोहर। अभी भी यहाँ पे कुछ मूर्तियाँ होंगी तब बौद्ध जी की, बौद्ध का है ना यहाँ? हाँ, केवल बौद्ध, केवल बौद्ध, बुद्ध जी की यहाँ पे अवशेष यहाँ पे दोस्तों पाए गए हैं और पाए जाते हैं। तो यहाँ पे आइए दोस्तों, चलते हैं। देखिए यहाँ पे ये खड़ंजा वगैरह बना हुआ है और गेट वोट सब लगा हुआ है, देख सकते हैं। आइए ऊपर तक जाइए, पूरा। अच्छा, ऊपर तक पूरा इधर से? हाँ, आगे भी है। अच्छा, आगे भी है, तो बड़े एरिया। अच्छा, बहुत बड़े एरिया में। तो दोस्तों आइए हम लोग चलते हैं, आप सबको दिखाते हैं यहाँ का द्वारिया भीटा का, जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग देख रेख कर रहा है, जहाँ पे बौद्ध जी की यहाँ पे प्रतिमाएं सब पाई गई थी और संग्रहालय चली गई हैं। और अभी भी यहाँ पे बहुत पुरानी पुरानी मूर्तियाँ अभी भी हैं, यहाँ पे सब दबी हुई हैं, जो कि पुरातत्व विभाग देख रेख करता है। चल रहे हैं हम लोग दिखाने आप सबको और बता रहे हैं कि अभी भी सुंदरीकरण होना यहाँ का बाकी है। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये इधर सब, इधर भी देखिए, ये देख सकते हैं आप लोग। तो दोस्तों आइए फिर बैक कैमरे से हम आप सबको दिखाते हैं। और दोस्तों देखिए, इधर भी सुंदरीकरण किया गया है, देख सकते हैं। बौद्ध स्थल है ये, जो कि हमारे प्रयागराज के देवरिया भीटा में है, देख सकते हैं ऊंचा ऊंचा ऊपर, ये देखिए। कितना खूबसूरत लग रहा है दोस्तों देख करके यहाँ पे, देखिए सुंदरीकरण हो गया है और अभी भी होना बाकी है सुंदरीकरण यहाँ का। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है दोस्तों ये। और यहाँ पे इधर देखिए, पूरा बबूल के पेड़ ही दिखाई दे रहे हैं इधर, ये सब बताते हैं कि यहाँ पे मिट्टी में बुद्ध के प्रतिमाएं अभी भी यहाँ पे नीचे हैं, कई सौ साल पुरानी प्रतिमाएं यहाँ पे नीचे सब दबी हुई है। और पूरा यहाँ पे किनारे बाउंड्री किया गया है, भारतीय पुरातत्व विभाग देख रेख करता है, जो कि देखिए इधर। और आइए अब हम लोग इधर ऊपर चलते हैं और देखते हैं इधर ऊपर।
ऊपर से इधर किसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, सब बबूल के पेड़ ही है दोस्तों। और बताते हैं यहाँ पे सुरंग वगैरह था, और सुरंग ऐसा था कि यहाँ पे जो अंदर जाता था वापस नहीं आता था, इस वजह से सुरंग को बंद करवा दिया गया है। और भेड़ बकरियाँ चरने जाती थी तो वापस नहीं आती थी, और कुछ भी चीज़ अगर जाता था अंदर तो वापस नहीं आता था, इस वजह से बंद करवा दिया गया सुरंग को। तो इधर से हम लोग वापस आ गए हैं, तो उधर हम सोचेंगे एक बार आप सबको ऊपर से दिखाएंगे उधर से। और दोस्तों देखिए इधर सब मकान जैसे बने हुए हैं, सब देख सकते हैं, सब पुराने जमाने के सब ईंट हैं, देखिए। जो कि सब इसमें देखिए अंदर सब मूर्तियां हैं, इधर बताया जा रहा है अंदर सब मूर्तियां हैं। और जो कि अब बौद्ध स्थल है बताते हैं, और सुरंग तो जो था उसको बंद करवा दिया गया है। और आइए हम लोग एक बार ऊपर उधर चलते हैं और देखते हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों सब पुराने जमाने के हैं सब। और बहुत ही अच्छा प्लेस है दोस्तों, और जो कि प्रयागराज में भी ऐसी ऐसी जगह है आप सबको क्या बताऊं, बहुत ही खूबसूरत जगह है। ये देखिए हम लोग आ गए हैं एकदम ऊपर ऊंचाई पर। इधर भी बताते हैं कि इधर भी मूर्तियां अंदर दबी हुई हैं सब, देखिए पूरा बबूल का पेड़ है इधर। हम लोग काफ़ी ऊंचाई पे हैं, और जो कि यहाँ से मेन गेट है दिख रहा होगा आप लोगों को। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।